ससुराल में रायता ये कहानी शुरू होती है श्याम हवेली से श्याम हवेली में श्याम अपनी पत्नी बेटी बेटे बहू पोते पोतियों के साथ रहता था श्याम जी और उनकी पत्नी बड़े मॉडर्न ख्यालात के थे उन्होंने कभी भी अपनी बेटी और बहू में फर्क नहीं किया पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी से रहता था रोज की तरह प्रिया हड़बड़ी में अपना बैग उठाए कॉलेज के लिए निकल रही थी कि उसे रोकते हुए नीता कहती है एक मिनट रुक जा मैं भी तेरे साथ चलती हूँ प्रिया मुझे ना रंगोली में आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखनी है बस दो मिनट ऐसे चली जाएगी क्या जरा तैयार हो जा बहू पांच मिनट तो लगेंगे पांच मिनट रुक जा प्रिया कौन सी तेरा कॉलेज में पढ़ाई होती है और फौरन तैयार होकर जींस टॉप पहनकर नीता अपने कमरे से बाहर निकलती है और पर्स उठाए अपनी ननद के साथ मार्केट के लिए निकल पड़ती है तुम अपने कॉलेज का काम कर लो प्रिया तब तक मैं ज्वेलरी देख लेती हूँ मुझे कॉलेज में ज्यादा काम नहीं है भाभी बस एक डॉक्यूमेंट रिसीव करना है आप भी मेरे साथ कॉलेज चलो ना फिर दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे प्रिया के साथ नीता जैसे ही कॉलेज के अंदर जाती है प्रिया की फ्रेंड तो उसे देखती ही रह जाती हैं अच्छा है प्रिया तूने नई फ्रेंड बना ही ली ना आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है बड़ी बेस्ट फ्रेंड बनती थी तू मेरी अरे वेट 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 मैं प्रिया की फ्रेंड नहीं हूँ मैं उसकी भाभी हूँ क्या आप प्रिया की भाभी हो ओ माय गॉड ये रिप्ड जींस ये लूज टी शर्ट अब भाभी इतनी मॉडर्न ड्रेसिंग करोगी तो कौन समझेगा कि आप प्रिया की भाभी हो मुझे तो प्रिया से भी छोटी लग रही थी बिल्कुल सही सुना आपने और हमेशा प्रिया के साथ ऐसा ही होता था जब भी वो नीता के साथ बाहर निकलती सब या तो नीता को उसकी फ्रेंड समझ लेते थे या उसकी छोटी बहन सभी की नजरें नीता पर ही रहती थी और रहती भी क्यों ना नीता थी ही इतनी सुंदर एक रोज़ खाने की टेबल पर तुम्हारी कोई फ्रेंड है क्या सुशील मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड है पापा क्यों मेरा मतलब है अगर कोई खास फ्रेंड ना हो तो फिर हम तुम्हारे लिए लड़के देखना शुरू करते। दे उनतीस साल के तो हो गया तुम तीस लगते लगते शादी हो जाए तो सही रहता है। क्या क्यों बहू जी पापा बिल्कुल सही कहा वैसे भी कोई नहीं है सुशील की लाइफ में कल ही मुझसे कह रहा था भाभी मेरी शादी की बात छेड़ दो ना और आज छेड़ी गई वैसे मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट बनाया है मैंने सुशील का आप कहे तो कल पंडित जी को बुलाकर सुशील की तस्वीर दे दूँ न वो तो बहुत सारे घरों पर जाते हैं कहीं ना कहीं से तो अच्छी लड़की का रिश्ता निकाल ही लाएंगे ये सुनते ही सुशील जी टमाटर की तरह लाल लाल हो जाते हैं लो भाई अभी तो लड़की आई भी नहीं है और भैया इतना शर्मा रहे हैं लड़की वाले देखने आ गए तब कितना शर्मा होगी भैया और अगली ही सुबह नीता पंडित जी को कॉल करके अपने घर बुला लेती है लड़के की कोई अच्छी सी फोटो दे दीजिए मुझे मैं आपको दिखा देती हूँ पंडित जी जो भी फोटोस है मेरे पास वो क्या है ना सुशील ज्यादा फोटोज खिंचवाता ही नहीं है फैमिली फोटो में कहीं उसका चेहरा दिख रहा है तो दिख रहा है आप मुझे फोटो दिखाइए मैं खुद चुन लूंगा कौन सी फोटो सही रहेगी और उन सभी फोटोज में से पंडित जी एक फैमिली फोटो पसंद करते हैं जिसमें सुशील कोने में खड़ा हुआ था ये बात अच्छी तस्वीर है अब इसी में लड़की वालों को लड़के का पूरा परिवार भी दिख जाएगा सभी को तो अच्छा जैसे ही सुशील की शादी हो जाए तुरंत ही प्रिया के लिए भी लड़का देखना शुरू कर देंगे उस तस्वीर को हाथ में लेते ही पंडित जी अपने जजमान को फोन लगाते हैं वर्मा जी घर पर ही है ना आप देखिए मैंने आपको कहा था सोमवार के व्रत का फल मिल ही जाएगा आपकी बेटी के लिए एक अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया है आप ही के घर आ रहा हूँ मैं और फौरन पंडित जी वर्मा जी के घर पहुँच जाते हैं और उन्हें लड़के की तस्वीर दिखाते हैं लड़का तो बहुत ही सुंदर है तू क्या उधर खड़ी हुई है जाकर तेरे लिए ही तो लड़का देख रहे इस आजा तू देख ले तुझे कैसा लग रहा है लड़का <laughs> जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जहां सब फैंसी फोटो में स्नेहा के लिए देखे जा रहे लड़के को देख रहे थे वहां उस तस्वीर में स्नेहा के भाई की नजर तो किसी और पर ही टिकी हुई थी और वो तस्वीर थी अपने सास ससुर के कंधे पर हाथ डाले बीच में खड़ी हुई नीता पर जिसे एक टक करण देखे जा रहा था लड़के की बहन का क्या सीन है पंडित जी बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा प्रिया नाम है लड़की का बहुत ही गुणवान सुशील के बाद उसी का तो नंबर है तो फिर मेरी बात चलाइए ना पंडित जी मुझे लड़की पसंद है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा करण ये तो शिव जी की साक्षात महर है पहली बार मेरे बेटे को कोई लड़की पसंद आई है और वो भी एक नज़र में आप तो जल्द से जल्द बात चलाइए पंडित जी एक ही घर में अगर दोनों भाई बहनों का रिश्ता हो जाएगा तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा फिर स्नेहा की चिंता भी नहीं रहेगी मुझे <laughs> मैं अभी बात करता हूँ मुझे तो नहीं लगता उन्हें भी कोई आपत्ति होगी पंडित जी फौरन प्रिया के घर पहुंचते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं लड़की की तस्वीर देखते ही प्रिया को लड़का पसंद आ जाता है इतने हैंडसम लड़की ने मुझे पसंद किया है सामने से भाभी ये कोई मजाक तो नहीं है ना तुम भी ना प्रिया खुद को कम आंकना बंद कर दो पंडित जी अब तो आप दोनों फैमिलीज के मिलने का बंदोबस्त कीजिए जल्द से जल्द और एक हफ्ते बाद की तारीख निकाली जाती है और एक हफ्ते बाद अरे भैया ये कैसा पोछा लगाया आपने सारा कचरा तो सामने दिख रहा है लड़की वाले आने वाले हैं मेरा मतलब है लड़की वाले भी और लड़के वाले भी जरा अच्छे से और वो सामने की खिड़की का पर्दा तो रह गया भैया जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना अरे बहू तूने तो फौरन सारी तैयारी कर दी मुझे तो घबराहट हो रही थी कैसे सब कुछ होगा अरे मम्मी जी आप बेकार में ना घबराने लग जाती हैं आप बैठिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा तब तक मैं जाकर बाजार से कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता ले आता हूँ और मैं लड़के वालों से कह दूंगी कि वो नाश्ता मैंने बनाया है एकदम सही मैंने भी तो यही कहा था जबकि चाय बनाने के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था <laughs> पर वक्त सब सिखा देता है चलो अब एक एक करके सब तैयार होना शुरू कर दो कभी भी लड़की लड़के वाले आते ही होंगे करण और स्नेहा अपने परिवार के साथ कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं क्या इतफाक है बताइए भाई साहब ढूंढ रहे थे बहू और दामाद भी मिल गया यह सब तो संजोग है बहन जी किसकी किस्मत कहाँ जुड़ी है कौन जानता है करण को तो प्रिया इतनी पसंद आ गई कि क्या कहे एक हफ्ते तक इसे रोकना तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार और प्रिया के पीछे खड़ी नीता को देख कर करण ये कहता है और प्रिया शर्मा जाती है दोनों परिवार में बातें शुरू हो जाती है फिर सीता कहती है अब अगर लड़के लड़की आपस में बात कर ले तो अच्छा रहेगा नहीं हाँ जी हम तो बहुत मॉडर्न है हमें कोई तकलीफ नहीं है जाओ जाओ बच्चों और नीता आगे बढ़कर एक हाथ से प्रिया का हाथ और दूसरे से स्नेहा का हाथ पकड़े कमरे की ओर बढ़ती है और उनके पीछे दोनों लड़के भी चल पड़ते हैं सुशील और स्नेहा एक कमरे में बात कर रहे होते हैं और दूसरे में करण के पास प्रिया को छोड़कर जैसे ही नीता बाहर निकलती है करण कहता है आप कहाँ जा रही है यहीं रुकिए ना ये तो सुशील से भी शर्मिला निकला। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। पूछिए क्या पूछना है? ये क्या कर नीता दरवाजे की ओर मुंह फेरकर खड़ी हो जाती है। हाय ये शर्म। ओह माय गॉड। अगर इसी तरह वन लाइनर देता रहा तो मैं तो नजरें भी उठा नहीं पाऊंगी। नीता की ओर देखता हुआ करण अपने सवाल पूछना शुरू कर देता है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? रंग। यहाँ करण नीता से सवाल पूछता है और जवाब पीछे से प्रिया देती जाती है नीता को देखने में करण ऐसा मदहोश हो जाता है कि वो ये भी ध्यान नहीं देता कि जवाब कौन दे रहा है और इसी तरह सवाल जवाब का सिलसिला पूरा होने के बाद सभी वापस हॉल में लौट आते हैं तो बताओ बच्चों तुम लोगों की क्या राय है मुझे सुशील पसंद है मम्मी मुझे भी पसंद है हाँ भी मंजूर है अब सब तैयारी है तो अभी ही सगुण कर देते हैं दोनों परिवार आमने सामने बैठ जाए तो अच्छा होगा और फ़ौरन दोनों परिवार नेक की तैयारी में लग जाते हैं और फिर रस्म शुरू होती है प्रिया करण के ठीक सामने बैठी थी सब उसे रस्म बताते हैं और करण वैसा वैसा करता जाता है प्रिया को टीका लगाने और पैसे देने के बाद करण उठकर नीता के पास जाता है और टीका लगाने के बाद नीता के हाथों में भी इक्यावन सौ रुपये रख देता है लगता है इनके घर में पहले छोटी बहन को पैसे दिए जाते हैं उसके बाद ही बड़ी बहन के साथ रस्म करने का रिवाज होता होगा पर मुझे क्या अरे वाह कितने अच्छे संस्कार हैं लगता है इनके यहाँ भाभीियों को भी नेक दिया जाता है लगता है इनके परिवार में ऐसा ही नियम होता होगा शायद सबको नेक चढ़ता है तो फिर इधर से मैं भी जाकर समधन जी को नेक पकड़ा देती हूँ और इसी तरह गलत फहमी में हर कोई एक दूसरे को नेक दे देता है और नीता के ससुराल में ऐसा रायता फैलता है कि घर का होने वाला दामाद घर की बहू का ही नेक करके चला जाता है अब हर रोज प्रिया और करण की बातें होने लगती है करण फोन पर प्रिया को ही नीता समझ रहा था क्योंकि नीता की आवाज़ फ़ोन पर तो उसने कभी सुनी नहीं थी और इसी तरह गलत फहमी बढ़ती ही जाती है फिर एक सुबह करण कागज लगाकर अपने होने वाले ससुराल के बाहर पहुंच जाता है और गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है हॉर्न की आवाज़ सुनकर नीता ऊपर बालकनी से झांकती है अरे वाह प्रिया को क्या लड़का मिला है हुई ना बात भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे नीता अंदर जाकर प्रिया को बाहर भेजती है आप आ गए सरप्राइज हाँ वो कुछ गिफ्ट लाया था अब इस बच्ची को कैसे टरकाऊ एक काम करता हूँ जो चॉकलेट का बूके लाया हूँ उसमें से एक चॉकलेट इसे दे देता हूँ और करण एक चॉकलेट प्रिया को पकड़ा देता है प्रिया उसी चॉकलेट से खुश होकर अंदर चली जाती है नीता को ढूंढता हुआ करण अंदर आता है और किचन में चला जाता है ये कंगन लाया था मैं और ये बुके। अरे वाह कितने अच्छे लोग हैं लगता है इनके यहाँ भाभीियों को भी गिफ्ट देने का रिवाज है नीता फौरन कंगन पहन लेती है आइए बैठे ना मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ नहीं नहीं एक नज़र देखना था देख लिया हो गया अब चलता हूँ मैं हर संडे की तरह दोनों ननद भाभी शॉपिंग पर निकलते हैं प्रिया मैसेज करके करण को बताती है कि वो किस मॉल में जा रही है अनिता का दीवाना करण उस मॉल के बाहर पहुंच जाता है दोनों लड़कियां शॉपिंग करके जैसे ही बाहर आती है वहां कुछ मंचले उन्हें देखते ही सीटी मार देते हैं तेरी इतनी मजाल अभी अपनी माँ के पेट से पूरा बाहर आया नहीं और लड़कियों को देख कर सीटी मार रहा है वो भी मेरी प्रिया को करण उस लड़की को ऐसा मारता है ऐसा मारता है कि वो अधमरा हो जाता है छोड़ दो करण इसे ये मर जाएगा आप कह रही है बस इसलिए वरना आज तो ये मर ही जाता नीता के हाथों से बैग लेकर करण आगे गाड़ी की ओर पड़ने लगता है बहुत अच्छी किस्मत पाई है प्रिया तुमने इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता था वही ना भाभी कैसे मेरे पीछे पीछे डोलता है किसी ने मुझे सीटी क्या मार दी इससे बर्दाश्त भी नहीं हुआ शादी के पहले ना सुमित भी ही थे पर शादी के बाद सब हवाई उड़ गई शादी के बाद करण रहे फिर तो तेरी मौज है अब करण रोज किसी न किसी बहाने नीता के आगे पीछे घूमता रहता कभी उसे कोई गिफ्ट ला कर देता तो कभी कोई गिफ्ट और नीता उसे हमेशा एक भाभी के नाते एक्सेप्ट कर लेती पर अब ये सब सुमित को खटकने लगा था और एक दिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है नीता फियान से करण प्रिया का है पर तुम्हारे लिए इतना गिफ्ट लाता है अरे सुमित हो सकता है ये उनके घर का रिवाज हो ये कौन सा ऑल्टर निवास है भाई मुझे तो ये रिवाज पहले दिन से ही समझ में नहीं आ रहा अब जल्द से जल्द सगाई की डेट निकाले और उसके बाद फौरन शादी की मैं नहीं चाहता कि अब और रायता फैले ये मैटर सुशील के लिए लड़की देखने से शुरू हुआ था और कहाँ प्रिया के होने वाले पति पर आकर अटक जाता था वो भी एक ऐसा पति जो उसी घर की बहू को पसंद करने लगा था काफी रायता तो ऑलरेडी फैल चुका था पर असली रायता तो अब फैलने वाला था नीता पंडित जी को बुलाकर सगाई की तारीख निकलवा लेती है सगाई के दिन नीता को देखते ही करण उसके पास जाता है और एक कार की चाबी उसके हाथ में रखता है किसी कमरे की चाबी है क्या करण मैं ध्यान से रख देती हूँ बाहर कार खड़ी है आपके लिए गिफ्ट है एक और गिफ्ट लगता है इनके यहाँ सगाई पर भाभियों को गिफ्ट दिया जाता है ये तो कुछ नहीं है एक कमरा भरकर गिफ्ट तैयार है आपके लिए खैर सगाई की रस्में शुरू करनी चाहिए नहीं अब और इंतजार नहीं होता स्टेज पर दोनों जोड़े खड़े हो जाते हैं और बीच में खड़ी हो जाती है नीता हाथ में रिंग का ट्रे लिए अब खुद ही ट्रे लेकर खड़ी हो गई कितना काम करती हैं आप और ये कहते कहते करण एक रिंग निकालकर नीता के हाथ में डाल देता है ये देखते ही सभी के बीच हल्ला मच जाता है ये क्या मजाक है जीजा जी आपने मेरी बीवी के हाथ में अंगूठी पहना दी है ये क्या कह रहे हैं आप यही तो मेरी होने वाली बीवी है ये सब यहाँ क्या हो गया लोग हंस रहे हैं चुप हो जा करण जिन लोगों से तो बहस कर रहा है उन्हीं के घर तेरी बहन जाने वाली है ये सब क्या ड्रामा है आप लोगों के चक्कर में मेरी और सुशील की सगाई भी रुकी हुई है भैया प्लीज भैया कितनी मुश्किल से मुझे कोई लड़का मिला है मेरी लाइफ तो बर्बाद मत करे नहीं पहले ये मैटर सॉल्व होगा अगर ये लोग मुझे धोखा दे सकते हैं तो कल को पता चला सुशील भी इस घर का दामाद निकला पंडित जी ये रिश्ता आपने करवाया था अब आप ही सब कुछ ठीक कीजिए पंडित जी आप बताइए करण बेटा इतने दिनों से आप किससे बात कर रहे थे तो प्रिया से और किसे पंडित जी ये लो फिर क्या दिक्कत है मुझ पर इल्जाम क्यों आ रहा है फिर मैंने आपको क्या बताया था इस घर में एक लड़की है प्रिया जो कि कवारी है और वो आपके सामने खड़ी है फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं अनिता की तरफ इशारा करता हुआ करण कहता है पर प्रिया तो यह ना तस्वीर में मैंने देखा था अपने मम्मी पापा के बीच में वन पीस पहनकर खड़ी हुई तो यही थी दोनों के कंधों पर हाथ रखकर आराम से पौज मार रही थी अरे कौन सी बहू ऐसी फोटोज लेती लेती है सास सास ससुर ससुर के के साथ मैं लेती क्योंकि मेरे 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 लिए माता पिता के समान हैं अब समझ में आया कि क्यों आप मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं और यह गलत फहमी कहीं हुई नहीं है गलत फहमी आपकी आंखों में आ गई थी अब जो हुआ सो हुआ आपके सामने आपकी होने वाली पत्नी खड़ी है उसके हाथों में अंगूठी पहनाई है मैं नहीं पहनाने वाला मुझे इस प्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं है सगाई तो आज होगी ही स्नेहा और सुशील की भी और आपकी और प्रिया की भी वरना आपने जो मुझे 25 लाख की गाड़ी दी है ना और इतने सारे गिफ्ट दिए हैं वो सारे के सारे मेरे पास ही रह जाएंगे एक सगाई के पीछे कितने पैसे हम लोगों के डुबाएगा बेटा तू मुझे तो पता ही नहीं था तू नीता बहू के पीछे इतनी महंगी गाड़ी लेकर आ गया हम लोगों का बहुत समय बर्बाद कर दिया है तूने अब शांति से शादी कर ले वरना पच्चीस लाख का नुकसान हो जाएगा बेकार में और आखिरकार करण को असली प्रिया को अंगूठी पहनानी ही पड़ती है और इतने रायते के बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध बन ही जाता है अब कभी भी जिंदगी में किसी लड़के लड़की का रिश्ता करने के लिए उनकी फैमिली फोटो लेकर नहीं जाने वाला मैं